जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले इक्विजन की तरफ से आने वाले डुअल लाइट ऑडियो फिक्स्ड कैमरा की, जो कि 3K वाला कैमरा है, जो 5MP सपोर्टेड कैमरा है। इसमें इनबिल्ड माइक मिल जाएगा आपको, HD कैमरा 3K में सपोर्ट करता है। ये कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है, बॉक्स कुछ इस तरीके से आता है इसका। इसके नीचे की तरफ कोई पैकिंग नहीं होती, पर ऊपर की तरफ एक पैकिंग होती है। इसका मॉडल नंबर आप देख पाएंगे DS2CE76KOT LPFS। ये 3K लिखा हुआ आता है, पर ये कैमरा 5MP का होता है आपका। तो ये 5MP के DVR पे और रेगुलर DVR जो आपका अप टू 4MP तक आता है उनमें ये कैमरा चल जाता है। इसकी MRP की बात करें तो MRP आपको दिख जाएगी 4,400 रुपये, पर आपको ये मार्केट में 2,000 से 2,100 के बीच में इसको आप परचेस कर सकते हैं। चलिए इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसमें एक ही पैकेजिंग आती है जिसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करते सामने कुछ इस तरीके से आपको कैमरा दिखेगा। बस सिंपली कैमरा बाहर निकाल लो, आपको एक स्क्रू करने के लिए, इसको फिटिंग करने के लिए एक स्टैंड और स्क्रू मिल जाएंगे राहुल प्लग, और इसके एक ड्रिलिंग टेम्पलेट मिल जाएगा जिससे आप ड्रिलिंग वगैरह कर सकते हो, जिसकी आजकल कोई ज़रूरत नहीं। चलिए बॉक्स से कैमरे को बाहर निकाल लेते हैं। कैमरा कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रंट से आपको लेंस दिख जाएगा इसका, और जो हाइब्रिड लाइट है जिसमें आप ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों देख सकते हो, वो भी ऑप्शन है, साथ में माइक का भी ऑप्शन है। तो ये कैमरा एक हाइब्रिड कैमरा है। यहाँ पे इक्विजन की ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको। ये प्लास्टिक बॉडी में है और आपको इसमें तीनों पिन मिल जाएंगे, एक DC, एक BNC और एक मोड चेंज करने के लिए बटन। स्टैंड कुछ इस तरीके से लगता है। मैंने और भी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्टैंड को किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से कैमरे को फिट किया जाता है बॉक्स में। तो कुछ इसी तरीके का कैमरा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा है बजट के अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये कैमरे की क्वालिटी देखना है तो मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको डोम कैमरे को अंदर की तरफ लगाया, कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी आ जाती है 3K 5MP के हिसाब से, ओके है। अगर आप इसमें ओरिजिनल DVR यूज़ करोगे तो इससे भी ज़्यादा क्वालिटी आएगी। मैंने इसमें रेगुलर DVR अप टू 4MP वाला जो DVR है वो लगाया है। अगर आप 8MP तक वाला DVR लगाओगे उसमें और क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपके DVR के ऊपर है कि किस तरीके से क्वालिटी आएगी। आपके सामने है, मुझे तो फिर भी ठीक ठाक लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये परचेस कर सकते हो, और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी